देखिए, जैसा आप जानते ही हैं कि 12 तारीख की सुबह में एक सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें कि एक लखनऊ के व्यापारी द्वारा लूट हो जाने की घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। और पुलिस इस घटना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल निरीक्षण सभी ऑफिसर्स द्वारा किया गया। इस घटना में जैसे बताया गया था कि हमने 5 टीमें गठित की थी और उन टीमों ने हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे सीओ सिटी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, हमारे स्वाट प्रभारी और एसएचओ नगर ने। और इस घटना का खुलासा इस प्रकार से हुआ है कि जो इस घटना के वादी समीर खान है, जो लखनऊ के एक व्यापारी भी हैं जो सोने का काम करते हैं, इन्होंने अपने साथी व्यापारियों के सोने और पैसे को गबन करने के उद्देश्य से, जिससे कि उनको पैसा ना देना पड़े, इन्होंने पूरी लूट की घटना प्लान की। और इनमें इसका साथी था अजीत यादव, जिनके माध्यम से इन्होंने इस पूरे सोने और कैश को गायब करवा दिया था। और ये लखनऊ से जब अयोध्या जाते थे तो उसी में इन्होंने घटना प्लान की। और इन्होंने अयोध्या से वापसी के समय अपने साथी अजीत को सारा माल ले जाके भेज दिया और इस पूरे सामान को छिपा दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस और अन्य इंटरोगेशन के माध्यम से इस पूरी घटना का खुलासा किया है, जिसमें कि यह बात सामने आई है कि समीर ने अपने साथी अजीत के ही माध्यम से ये पूरा ज्वेलरी छिपा ली थी। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बरामदगी की है। और मैं आपको बता दूं कि यह बरामदगी लगभग 1400 ग्राम सोना और 5 लाख कैश, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख बनती है, बहुत बड़ी बरामदगी पुलिस ने इसमें की है। और इतनी कम समय में इतनी एक डिफिकल्ट घटना को, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज थी, क्लू समझ में नहीं आ रहे थे, इस पूरी घटना को पुलिस ने इतनी बखूबी तरीके से वर्कआउट किया है। इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही पूरी टीम का 25,000 का इनाम की घोषणा की जा रही है। और इस पूरी टीम को हम लोग डीजी कमेंडेशन लिस्ट के लिए भी रिकमेंड कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या था, जो लूट खुद किया उन्होंने? देखिए, चूंकि ये एक व्यापारी खुद भी है और इनका कहना है कि बिजनेस में इनको घाटा आ रहा था और इनके पास चूंकि लेन देन इनका रहता है ज्वेलरी का आपस में दूसरे व्यापारियों से, तो इनकी ये नीयत खराब हो गई। इनको लगा कि अगर ये इस ज्वेलरी को लूट के माध्यम से ये दिखाते हुए कि लूट हो गई है गायब कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी रकम की ज्वेलरी उनको बाद में काम आएगी, जिससे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, आगे अपने जरूरतों को पूरा करेंगे।